सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स विद यू। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं मुझे, तो मैं उन लोगों से अपनी बात शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं एक्चुअली क्या फील कर रही हूँ। तो जो केस हुआ था अभी कि मनीषा वाला केस, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ ही हर डे हर कोने में देश के बहुत जगहों पे ये सब हो रहा है, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं पता है इस केस के बारे में तो अफसोस, क्योंकि रसोड़े में कौन था विनोद ये सबको पता है। और आप लोग इसको बहुत ट्रेंड भी करते हो कि कौन था, वीडियोस बना रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, ठीक है, वो आप लोग का एंजॉयमेंट है। लेकिन जो चीज़ें गाइस ट्रेंड करनी है असल में, जिस चीज के खिलाफ आप लोग को बोलना चाहिए, प्लीज उस पर आप लोग बोलो, उस पर आप लोग हैशटैग्स बनाओ, उसको आप लोग और आगे तक लेके जाओ ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े एंड वो कुछ अच्छा कर सके। एंड उन पर इतना प्रेशर पड़े कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल बनाए और कुछ किसी के साथ कुछ अच्छा कर सके। नहीं तो क्या होता है कि हमेशा हमेशा क्या होता है, रेप होता है, रेप के बाद केसेस होते हैं, पूछताछ होती है, ऑफकोर्स जो होता है हमेशा हर महीने या हर साल सुनवाई तारीख पे तारीख, ठीक है। तो एंड 5, 6, 7, 7, 8 तब इतने साल तक वो लोग घूमते रहते हैं, उनको इंस्टेंट फांसी या इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं मिलती है। 8-10 साल के बाद बड़ी मुश्किल से उन लोगों को दी जाती है उम्र कैद या फांसी, ठीक है। लेकिन गाइस क्या आप लोगों को लगता है कि इतनी गंदी मौत देने के, इतनी एक लड़की को इतनी गंदी मौत देने के लिए के बाद उनको ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए? मतलब इतना सब करने के बाद जीभ काट दो या रॉड घुसा दो उनकी, उसकी नेक ब्रोक कर दो, इतना सब होने के बाद उसको मार देने के बाद बस उनको फांसी पे लटका दो एंड हो गया इंसाफ? इट्स नॉट। उनको इतनी गंदी मौत देनी, जितनी गंदी मौत देनी चाहिए उसके, इतनी गंदी मौत देनी चाहिए कि इसके बाद जो अगर आगे कोई सोच भी रहे इतना गंदा करने का या किसी को गंदी नजर से देखने का तो वो कांप जाएगी नहीं 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 करके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमेशा फांसी होती है, हो गया केस खत्म सॉल्व, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे केस एक और आ जाता है, ऐसे नहीं हजारों केस और आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं या जो भी सपोर्ट करता है वो, कोई भी कुछ भी, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग बस अवेयर कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं कि मतलब सेफ्टी में वो बता सकते हैं कि क्या मतलब कैसे करना चाहिए। और ना हम लोग किसी को पनिश कर सकते हैं, ना हम लोग किसी को बोल सकते हैं कुछ, तो कम से कम हम किसी को अवेयर कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो से अगर एक इंसान भी अवेयर होता तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। सो गाइस मतलब जब मुझे मतलब इस वाले इंसिडेंस के बारे में पता चला तो मैं लिटरली ब्लैंक, मतलब और अंदर से इतना गुस्सा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि क्या जो कर दूं इनका, मतलब ऐसा होता है। सो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, एंड अगर कसम से कह रही हूँ मेरे हाथ पे होता नहीं तो मैं उन कुत्तों उन हैवानों के तो जो उनके सेक्सुअल पार्ट होते ना जिनकी वजह से वो इतना मतलब कर देते हैं ना, उनको मैं काट काट कर उनमें मिर्च डालकर उनको आग लगा देती। उनको ऐसे नहीं कि फांसी चढ़ा दो यार, इतनी गंदी मौत देनी चाहिए गाइस सीरियसली। सो बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि #justiceformanisha इस टैग को इतना ट्रेंड कर दो, इतना ट्रेंड कर दो कि कमेंट पर प्रेशर पड़ जाए, ठीक है। और चीजों भी आप टैग करते हो तो हो, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है मेरी, तो प्लीज 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 टैग कर दीजिए। हम लोग उसे नहीं बचा पाए, मनीषा को हम लोग नहीं बचा पाए, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम लोग उसकी फैमिली को या उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, एंड
जो ये दरिंदे होते हैं, आई डोंट थिंक कि ये मतलब कैसे पैदा होते हैं, लिटरली जैसे ह्यूमन होते हैं वैसे ही होते हैं, अलग से होते हैं, मतलब इनको अलग से, इनकी प्रोसेस अलग से ही होती है क्या पैदा होने की, आई डोंट थिंक क्या होता है। क्योंकि जो इंसान किसी को काट रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को जला रहा है, वो नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता गाइस। क्योंकि नॉर्मल इंसान, अगर कोई भी इंसान है कितना भी गंदा है वो, तो उसके अंदर पेन होता है, इमोशन होते हैं, ऑफकोर्स फीलिंग्स होती हैं। अगर हम किसी को छोटा सा हम पे कट भी लग जाते तो हमें बहुत पेन होता है। तो लिटरली अगर हम किसी एक इंसान दूसरे इंसान को काट रहे हैं तो ऑफकोर्स पेन होता है, लेकिन जला देना रॉड ये सब तब ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये कोई राक्षस या कोई रोबोट कर सकता, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। सो अभी कुछ टाइम पहले ये वाला केस भी हुआ था, एलिफेंट, बेबी एलिफेंट और एलिफेंट वाला। तो बहन चोद, अगर तुम लोगों को किसी को खाना देना ही नहीं है तो पटाखे डाल के उसको देने की जरूरत क्या है, मत दो खाना। कहाँ की इंसानियत है यार ये सब, कि तुम किसी के खाने में, वो भी जानवर खाने में, तुम पटाखे डाल के उसको दे रहे हो। तो मैं कह रही हूँ ना कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसानों की हरकतें ऐसी नहीं होती। अगर तुम्हें खाना नहीं देना तो मत दो। मैं कल ही मतलब इंस्टा पे एक पोस्ट पढ़ी थी कि अगर हम बलात्कारियों को बीच चौराहे पर जला नहीं सकते हैं तो फिर रावण की पुत्रियों को बीच चौराहे पर जलाने का ढोंग क्यों। और ये सही भी है कि अगर हम इन दरिंदों को हम लोग नहीं कुछ कर सकते तो फिर रावण ने तो कुछ इनके साथ देखा जाए, रावण ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि उसको जला दो या उसको मार दो, ठीक है। और इस युग के रावण जो घूम रहे हैं अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे बनने वाले हैं, और जो बने हुए हैं, जो इतने दरिंदे, इतने मतलब इन ह्यूमैनिटी है जिनके अंदर, जो इंसान है ही नहीं, जो इंसान की तरह सोचता ही नहीं है, तो हम उसको क्यों नहीं जला सकते हैं। मतलब क्यों ऐसा नहीं है इंडिया में कि हम लोग सब कुछ कोर्ट के भरोसे, सब कुछ गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ देते कि जो उनका होगा, क्यों हम लोग नहीं जस्टिस कर सकते हैं। चाइना में तो पब्लिक के हाथ पे होता है कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो पब्लिक उसका कुछ भी कर सकती है, मारे काटे कुछ भी। एंड बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये डिसीजन पब्लिकली होता है, बट इंडिया में सबका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग ना ही तो हम रूल चेंज कर सकते हैं, ना ही तो हम रूल चेंज कर सकते हैं, और ना तो हम किसी को पनिश कर सकते हैं। लेकिन जो भी मतलब कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उनके अंदर भी कोई इंसानियत नहीं है क्या यार, मतलब सोचने वाली बात है। अभी कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था एनिमल्स वाला, वो एलिफेंट और बेबी एलिफेंट वाला। तो यार जब तुम लोगों को किसी को भी तो खाना नहीं देना है तो मत दो, एटलीस्ट उसमें बम पटाखे डाल के देने की क्या जरूरत है। तो क्यों अपनी इतनी गंदी पिक्चर लोगों को दिखानी जरूरी है आप लोगों को। आप लोग नहीं करना है, नहीं खाना देना किसी को, नहीं पसंद है जानवर तो मत दो उनको खाना, एटलीस्ट बम पटाखे डाल के तुम मत दो। क्यों यार, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं होती क्या तुम लोगों के अंदर सीरियसली। मेरे पास बोलने के लिए बहुत बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी बात सही लगती है या मैं जो भी कह रही हूँ आप लोग वो फील करते हो, तो गाइस बस कमेंट सेक्शन में #justiceforManisha वाल्मीकि लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मेरे जैसे सोचते हैं या कितने लोग को फील होता है जो मैं फील कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं फील, बोल नहीं पाते हैं या कुछ कर नहीं पाते। मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस मुझे शेयर करना था। सो कुछ सेफ्टीज बताना चाहती हूँ मैं, जो भी लेट नाइट वर्कर्स होते हैं या जो भी स्पेशली फॉर वुमेन्स जो भी लेट नाइट काम करता है या जिसकी भी लेट नाइट शिफ्टिंग होती है, ड्यूटी होती है, बहुतों की होती है, ठीक है। हमें, हम भी मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमारी भी नाइट शिफ्ट लगती है, तो आई अंडरस्टैंड कि क्या होता है और क्या करना चाहिए आप लोगों को। मतलब मेरी तरफ से मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि
आप लोगों को बहुत सारी चीजें होती है, आप लोग उस पर ध्यान दो। एंड कभी भी हेडफोन डाल के रात में अगर आप लोग वॉक कर रहे हो या टैक्सी से जा रहे हो तो हेडफोन बिल्कुल मत डालो, क्योंकि अगर आप हेडफोन डालते हो तो आप लोग को बाहर जो हो रहा है पता नहीं चलते है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सो आपकी सेफ्टी के लिए आप लोग हेडफोन्स बिल्कुल मत डालो। एंड सबसे पहले तो आपकी अपना नेट ऑन और लोकेशन ऑन करके रखो, ताकि अगर कुछ लेट हो जाए या कुछ हो जाए तो आपकी लोकेशन ट्रेस हो सके या पता चल सके। एंड इनकमिंग मतलब रखनी चाहिए फोन में, ताकि कोई कॉल कर सके पता चल सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी चल रहे हो या कभी टैक्सी नहीं मिलती है, कभी हमें कभी लेट हो जाता है या कभी टैक्सी नहीं मिलती है, वेट करना पड़ता है, एंड रात का माहौल होता है, तो जरूरी नहीं कि सब जगह लाइटिंग हो या सब जगह लोग इधर उधर घूमते हो ना, तो आपको एक तो अपने में कॉन्फिडेंस रखना है एंड घबराना है बिल्कुल। कॉन्फिडेंस रखो एंड जस्ट प्रिटेंड कि आप किसी से बात कर रहे हो, यानी फोन पे, एंड ऐसे शो कराओ कि आपको कोई रिसीव करने आने वाला है या आपके ब्रदर या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स कुछ भी है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपके साथ कोई आने वाला, आपको लेने कोई आने वाला है, वो पहुंचने ही वाला है, ठीक है। तो एंड मैंने भी काफी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी काफी मतलब मैं चाहती हूँ, मैं बहुत जगह मतलब अकेले ट्रेवल करती हूँ, मतलब घर वाले ऐसे साथ में नहीं रहते, मैं अकेले ट्रेवल करती हूँ। और मुझे, मैं काफी टाइम ये कर चुकी हूँ कि मैं ऐसे कॉल पे प्रिटेंड करती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ एंड कोई मुझे लेने आने वाला है, तो इट रियली वर्क्स। एंड बाकी अपने पास आपको सबको पता ही होगा कि स्प्रे, पेपर स्प्रे या चाकू कोई भी चीजें हैं तो आपको अपने पास रखनी है, ताकि आपको कभी फोन इधर उधर गिर जाए या कुछ हो जाए तो वो चीजें आपकी हेल्प कर सके थोड़ी सी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी कहीं जाते हो अपने घर में फैमिली फ्रेंड्स या किसी को बताया करो कि हम लोग यहाँ जा रहे हो, किस रूट से जा रहे हो ये बताया करो, हमेशा सही रूट पे जाया करो। ऐसा नहीं कि आप लोग शॉर्टकट ले रहे हो या ऐसे कुछ कर रहे हो। एंड जहाँ भी कहीं भी आप शॉर्टकट या लॉन्ग कट कहीं भी जा रहे हो, प्रॉपर जो रूट है कोशिश करो कि आप वहीं से जाओ, जो प्रॉपर रूट होता है, क्योंकि फिर हमें लोकेशन देखने में आसानी जाती है। एंड घर में अब जरूर किसी को बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ताकि उन्हें पता हो। और अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाती है कंडीशन कि आपका फोन नहीं लग रहा है या आपसे बात नहीं हो पा रही, तो वो लोग आपको देखने आ सके या आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। एंड आई विश कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत 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 गंदी घटना है, मतलब कांपने वाली, इसको सोचो अगर आप लोग, बहुत ऐसे वाली है ये हरकत, और ये नहीं रुकता है, जब तक कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये नहीं रुकेगा, ये होता जाएगा। आज इसके साथ मनीषा के साथ साथ, कल किसी और के साथ, किसी और के साथ, और ऐसी बहुत सारी जानें जाती रहेंगी, ठीक है। एंड या आई होप ये वीडियो काम करे एंड आप लोग के लिए यूजफुल हो। एंड या मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में लिख देना हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, सो जिससे मुझे पता चलेगा कि लोग मेरे साथ हो, एंड आई फील गुड। थैंक यू एवरीवन, एंड स्टे होम नहीं कह सकते अब, क्योंकि अब घर पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है लोग, क्योंकि मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ। आप लोग कभी भी इधर उधर जा रहे हो, क्योंकि स्टे होम नहीं हो सकता है अब। स्टे केयरफुल, स्टे प्रिकॉशन लो अपने, मतलब सैनिटाइज वगैरह, अभी भी कंडीशन और बढ़ती जा रही है, अभी ऐसा नहीं कि, लेकिन जो अभी रूल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा कम हो चुके हैं, कि गाड़ियाँ सब चलने स्टार्ट हो गई हैं और ये सब हो चुका है, मतलब बहुत पहले की जैसे कंडीशन नॉर्मल हो गई है, बट केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप लोग अगर इधर उधर जा भी रहे हो, प्रिकॉशन लो एंड अपने फैमिलीज को भी प्रोटेक्ट करो। दरिंदों को बस एक बद्दुआ देना चाहती हूँ, उनको कभी चैन की नींद ना आए, उनको कभी भी जिंदगी में, जब तक जिंदा रहे, उनको कभी भी चैन, सुकून का एक पल ना मिले और सुकून की एक नींद ना आए। क्योंकि इंसान क्या होता है ना, जो एक्चुअल में इंसान है वो दो वक्त की रोटी और चैन से नींद के लिए इतनी मेहनत करता है,
सब कुछ करता है, लेकिन अगर तुम लोग इतना सब करने के बाद चाहते हो कि तुम्हें नींद आए, तो आई विश एंड आई प्रे कि आप लोगों को नींद कभी ना आए, वो चैन के जो पल होते हैं वो कभी ना मिले।